राजा वो ध्यान से देखा केटो डायबिटीज की भी जो 10 आसन है कितने आसन है 10 मिनट लगेंगे अब वो ठान रहा हूं आपको एक आसन का समय कितना 1 से 2 मिनट मिनिमम और 5 मिनट में पूरा लाभ एक आसन को कितने देर करना 1 से 2-3 मिनट तो कम से कम और पूरा लाभ पाना है तो 5 मिनट जैसे एक प्राणायाम का भी एक आवृत्ति एक राउंड कितने समय का 5 मिनट कपालभाति का एक राउंड कितना अनुलोम विलोम का एक राउंड 5 मिनट का ऐसे एक आसन का समय 5 मिनट आगे चुको कोई कहता नहीं थी मेरी डायबिटीज ठीक नहीं हुई बोल भाई एक आसन को 5-5 मिनट कर लेना मधु का सिर्फ 5 और फिर मधुनाशी गिरो दोनों किलो केला केला टमाटर का जूस पियो पहले फिर से शुगर बैलेंस और कुछ दिन में शुगर कंट्रोल और बाद में क्यों झुक करके एक एक दो दो मिनट ऐसे रुकना कितनी देर रुकना एक दो मिनट ऐसे कुछ तो दो बार वापस आ चुके इतनी देर कितनी देर रुकना आगे झुककर के 1 से 2 मिनट रुकना तो दो दो मिनट करके या ढाई ढाई मिनट करके दो बार हो गया और यदि भाई कम कैपेसिटी है तो एक एक मिनट करके 5 बार कर लिया हम लोग ऐसे मैं तो ऐसे अब या तो घड़ी देख के कर लो या ओम एक ओम दो ओम तीन ओम चार ओम पांच ओम छह ओम सात आठ ऐसे ओम नौ ओम दस कितनी देर करना ऐसे 60 बार गिना मन ही मन एक आसन को आधा से 1 मिनट करना होता है आधा से 1 मिनट से शुरू किया फिर धीरे धीरे 1.5-2-3-5 मिनट तक किया एक आसन कुछ लोग कहते हैं लाभ पूरा नहीं हुआ भाई पूरा योग करो पूरी दवाई लो पूरा परहेज करो क्या बोला पूरा योग पूरी दवाई पूरा तो पूरा लाभ आधा दोहरा योग किया आधी अधूरी दवाई खाई आधा दोहरा परहेज किया तो फिर तो आधा दोहरा ही लाभ होगा मधुकासन के ये तो आप ऐसे हम सब तक की मुठे बनता है कि हम उसे तक तो इसे फिर इसे समाप्त परसेंटेज में मैंने बताया था किस रोग से कितने पीड़ित हैं पेट
दिल और दिमाग तो लगभग 99% का खराब है, पेट खराब, दिल भी खराब कहते हैं, दिमाग भी खराब है, स्ट्रेस से लेकर के तमाम तरह की समस्या। योग से देखो जिनसे हो सके परमात्मा में बैठ के योगासन में, पहले हमने वज्रासन समूह में योग मुद्रा और सशक्तासन, अब इसमें आगे सुनते हैं तो योग मुद्रा है। योग मुद्रा पहले दिन से पेट सेट हो जाएगा और जब सेट रहता है पेट कोई भी काम होता है ना उसको गंभीरता से करना चाहिए, बोलो योग पूरा करो तो पूरा लागो, दवाई पूरी लो परहेज पूरा करो, आधा अधूरा काम आधी अधूरी सोच आधी अधूरी भावना आधा अधूरा प्रेम आधी अधूरी श्रद्धा भक्ति आधे अधूरी कर्म आगे झुको रुको, आज आपको भी एक्सपीरियंस होगा इस रूप में आज सेट हो गए आगे झुका के रुकते हैं थोड़ी जमीन पर गर्दन सीधी, बड़ी बात तब बनेगी जिससे जितना होगा, देखो पेट पूरा हल्का होगा तो थोड़ी ऐसी टिक जाएगी, नहीं तो माथा टिकेगा, नहीं तो ऐसे झुकने से फायदा होगा, ये एक अभ्यास ऐसे पीछे हाथ रख करके और पीछे से पकड़ के ना ऐसे